राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्याधीनापराध लक्ष्यै इप्तासिकामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसारी करी चरणा बंदा जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तमाधि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम श्रुतावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजंत मन पेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण I'm not afraid of the dark.
एक बार सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत बटी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो, गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। कहती ये भागवत कथा की इतनी महिमा, भागवत कथा की इतने महिमा है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बल स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते जो सौभाग्य आज हमें मिल रहा है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा उन्हें भी सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए जिस समय जो पीछे जो माताएं बैठी हो, आवाज आ रही कि नहीं? नहीं आ रही ना भैया? माई भाई देखो, हरे कृष्णा, माताएं पीछे आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक। तो उधर जो बक्स लगाया ना, वो बक्सों को पीछे करके उसका मुंह इधर कर सकते, फिर आवाज आ। इधर जो बक्स लगाए पीछे, वो आवाज सब पीछे जा रहा है, वो आवाज सब पीछे जा रही है, उसको ठीक सेटिंग कर, ठीक से। जो उधर जो बक्स लगाया उसको ठीक सेटिंग कर। हाँ हरे कृष्णा। कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, अगर कोई ब्रह्मलोक में भी अगर कोई जन्म ले ले, ये ब्रह्मलोक में भी ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहारी, कथा है तो भेदे भावना बिहारी, कथा है तो भेदे भावना बिहारी, कथा है तो भेदे भावना बिहारी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर ब्रह्मा जी को कहीं पता चले कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कथा सुनने के लिए अकेले नहीं, अपना पत्नी शारदा को लेकर के कथा सुनने आते हैं। आप लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए हो?
थोड़े से ना, कहाँ से कथा सुनने के लिए आए, थोड़े से आए होंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत कोई दूर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर इससे तो ज्यादा दूर से कोई नहीं आए होंगे। लेकिन जब कहीं भागवत कथा हो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, आपको पता है ब्रह्मलोक कहाँ है, कहते भूर मतलब ये पृथ्वी लोक है, भूव, उसके बाद में स्वर्ग, उसके बाद में मोह, फिर जना, फिर तप, और जो सत्य लोक है ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान है। करोड़ों करोड़ों मील से ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए अपना पत्नी को साथ में आते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं। इसलिए देवता लोग जब कथा सुनने के लिए आए वो भी कोई अकेले नहीं आए, अपना पत्नी को साथ में आते। बोले क्यों अकेले क्यों नहीं आए, ये चीज को समझो। जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, देखना जैसे संग करोगे ना रंग वैसे बदलेगा। अगर 7 दिन तक कथा सुनोगे आपको ये पता लगेगा, भैया ये जीवन भगवान हमें क्यों दिया है, ये जीवन हमें भगवान 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवन देते हैं। बोले ये जीवन का दुर्लभ तो क्यों कारण है, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में तुम्हें ये कोहिनूर हीरे मिले हैं। क्या मिला है, कोहिनूर हीरे मिले हैं। ये मानव शरीर ऐसे ही जीवन है, एक जुहा मिलती है जिस जुहा से तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कह सकते हो। अब इंसान के जीवन के सिवाय और किसी प्राणी को बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, बताओ वो बोल पाएंगे, और कोई बोल पाएगा नहीं। हम लोग दो ही ठाकुर जी चरण दिए, जो कि घर से आप लोग चल करके ये भागवत कथा में आए। यहाँ पर कोई गधे सुअर कोई कुत्ते बैठे कथा में, कोई कथा सुनने के लिए आए नहीं, केवल एक ही हृदय दिए हैं ठाकुर जी, जिसको द्वारा ठाकुर जी को हम स्मरण कर सकते हैं, और कोई भी ठाकुर को स्मरण नहीं कर सकते हैं। दो ही हाथ दिए हैं, जिन्हीं हाथों से ठाकुर को हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर मुक्ति की दरवाजा पर हम पाए पहुंचे हैं। लेकिन पाई न जई पर लोक समारा, लेकिन ठाकुर जिनको ये मानव शरीर तो दे दिए, लेकिन जिसने ये जीवन पा करके पर लोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की, मतलब क्या है, इसी जीवन में प्रभु की भक्ति ही नहीं किया, ऐसे खा पी करके जानवर जैसे मरी गए हैं, मरी गए। फिर ठाकुर जी उससे 2 बार मानव शरीर नहीं देते हैं, फिर 2 बार ये जीवन हमें नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, देखना जरूर आपको रंग चढ़ेगा। क्या रंग चढ़ेगा, भैया ये जीवन पा करके हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ देखो क्यों दोनों कथा सुनने के लिए आनी चाहिए, पति पत्नी दोनों को क्यों कथा सुननी चाहिए, इस चीज को समझ लो। अगर पत्नियां कथा सुनने के लिए आई, इनके ऊपर में भक्ति की रंग चढ़ी, अगर गले में थोड़ा कंठी तिलक पहन दिए ना, पति लोग क्या बोलेंगे, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गए हो, हैं? कंठी तिलक जब देखो भागवत कथा भागती हो, जब समय मिले वृंदावन जा रहे हो, पति तुम्हें ताना मारेगी। अगर पति अगर केवल कथा सुनने के लिए आए, अगर इनकी रंग इनको पर चढ़े थोड़ा गीता भागवत पढ़े, पत्नी क्या बोलेगी, कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, काम करना नहीं पड़ेगा, ये पत्नी भी उनको ताना मारेगी। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे ना, अगर दोनों को ऊपर में भक्ति की रंग चढ़ी तो बस गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी बढ़िया चलेगी। कहीं अगर कथा हो चलो हम दोनों चलते हैं, वृंदावन हो दोनों चलते हैं, गीता भागवत पढ़ना हो दोनों बैठ कर पढ़ते हैं। इसलिए कहते भैया अकेले कथा सुनने नहीं आनी चाहिए। अगर देवियां आए ना अपना देवता को लेकर आना करो, अगर देवता लोग आए अपना देवी को भी लेकर के आना। इसलिए ब्रह्मा जब कथा सुनने के लिए आते हैं वो अकेले कथा नहीं सुनने आते हैं,
बोले कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुनिबत सार दे आगत धाई, अपना पत्नी शारदा को साथ में आते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, ये जो भागवत कथा है बोले कैलाश ये नास्ते अमरस है, कभी ये कथा रस कैलाश में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक बार त्रेतया जो गमाई शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए आए। जब कथा समाप्त हो गई, जब शंकर और सती जा रहे थे, इतने में रावण ने सीता को उठाकर ले गया और भगवान राम हां सीते बोल करके लता पता पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं, मेरे कहीं सीते को देखे हो? शंकर जी ने देखा, वाह आज जीवन मेरे धन्य हो गया, क्यों अभी कथा सुन करके आए और ठाकुर का दर्शन, कथा सुनने का फल क्या है? ठाकुर का दर्शन मिल जाए। कथा सुनते ही बोले भगवान कहाँ पर है? बंगला में कहते हैं भैया भगवान कहाँ पर है? हरि कोथाए, बोले हरि कहाँ है? बोले हरि कथाए। हरि कहाँ पर है? हरि केवल अपना कथा में ही ठाकुर है और ठाकुर कहीं नहीं। इसलिए शंकर जी ने देखा, देखो ठाकुर जी के दर्शन हो गया, प्रभु राम की हमें दर्शन मिल गया। इतने में देखा शंकर जी कितने सुंदर प्यारी लीला कर रहे हैं। जो घटघटवासी है देखो प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, हैं? सीता को थोड़ी रावण उठा करके ले गया, वो तो सीता को उन्होंने अग्नि को पास में सरने में दे दिए, सीता तो कहीं है ही नहीं, इनको साथ में ही है, लेकिन प्रभु कैसे विचित्र लीला कर रहे हैं। कहते इनकी लीला में कोई व्याघात नहीं होनी चाहिए। शंकर जी दूर से सती को लेकर के परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते समय सती ने प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा कर रहे हो? आप किसको प्रणाम किसको कर रहे हो? जो परात पर परम ब्रह्म राम की हमें आप कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना, ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को पता है रावण उसको उठा करके अशोक वाटिका में रखा, वो भी नकली सीता, वो असली सीता है ही नहीं, फिर आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, पार्वती बोली प्रभु मैं लिखी पड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी मैं समझ जाऊंगी, मैं समझने वाली नहीं। बोले नहीं तो तू परीक्षा करके देख ले, देखो दुनिया में 5 प है, आप सारा दुनिया को समझा दो लेकिन 5 प को नहीं समझा सकते। जानते हो 5 प क्या है? पहला नंबर पत्नी, आप देखना सारा दुनिया को तुम समझा दो लेकिन घर वाली को समझा, कहती इनको तो हम समझाते समय तो हार जाती हूँ, हर समय ये गलती करते बैठते हैं, इनको मैं कितने समझाऊं। मैं एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, मैंने उनकी पत्नी को बोला भैया कभी कभी इनकी बात सुनो। बोले इनकी बात, इनको तो समझाते समय तो पागल हो गई हूँ, मेरी बात सुनते नहीं, हर समय ये गलती कर बैठते हैं, हर समय इनको मैं समझाती रहती हूँ। इसलिए पहला बात जो पत्नी है ना, सब तुम्हारी बात सुनेंगे लेकिन पत्नी बात नहीं सुनती। दूसरी पा पुत्री,
आप सारा दुनिया को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन देखना अपना बेटी को ही नहीं समझा सकती हो, बेटी को नहीं पढ़ा सकती हो। तीसरा पा है पुत्र, चौथा पा है परिवार। आप देखना तुम्हारी इज्जत है सारा दुनिया में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई भी परिवार में तुम्हें इज्जत नहीं देगा। चौथा जो पंच चौथा जो पा है पंचवा जो पा है पड़ोसी। देखना सारा दुनिया में तुम्हारी मित्रता पड़ोस में तुम्हारा झगड़ा है, पड़ोस में तुम्हारी पत्नी हो। इसलिए शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की पत्नी को, सती को, सती बोली मैं ऐसे थोड़ी समझ जाऊंगी, मैं तो परीक्षा करूंगी। बोले भैया तू परीक्षा कर ले। इतने में सती ने कैसे उन्होंने माता सीता के रूप धारण करते हुए गए। इसका मतलब है कभी जो भागवत कथा है ना, कभी ये स्वर्ग में भी नहीं, कभी ये ब्रह्म लोक में भी नहीं, कभी ये कथा कैलाश में भी ये कथा नहीं। अगर शंकर पार्वती को कथा सुनना हो, वो भी कैलाश से उतर कर किसी मर्त्य जगत में आते हैं। मतलब ये जो मर्त्य जगत है, जो भारत भूमि है, इसकी बड़ी महत्व है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, वैकुंठे नास्ते अमरस। आज हमें जो सौभाग्य मिलना है, कहते वैकुंठ में जन्म लेने पर भी ये सौभाग्य नहीं मिलता है। वो उदाहरण देते हैं, बल गया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, गाया ओ की कथा हमें भी थोड़ा सुनने को मिले। वो वैकुंठ छोड़ करके कहाँ आते हैं, श्री काक भूषण की श्री चरण में बैठ करके कथा को सुनते हैं, हैं? इसलिए देखो यहाँ पर जो कथा सुन रहे हो, ये चीज को समझो, हम कितने भाग्यवान, ये चीज को समझ लो। देवता को देव लोग छोड़ना पड़ता है कथा सुनने के लिए, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ता है, शंकर जी को कैलाश छोड़ना पड़ता है, और गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये खोड़े वासियों को घर वाले छोड़ना पड़ा तुम्हें? अरे बोलो, खोड़े में जो रहने वाले आपकी घर मकान कुछ छोड़ना पड़ा बताओ? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये कथा रूपी गंगा वृंदावन से बहते बहते हमारी घर की सामने आ गई, और हम घर को सामने बैठ बैठ करके ना ये कथा रूपी गंगा में हमने नहा लिया। मतलब है हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो आज बैठ करके हम लोग श्री भगवान की कथा श्री भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए एक बार जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतमुखी, जोर से बोलो, पीछे लोग तो चुपचाप बैठे, जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतमुखी, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। जय क्या बारिश आ रही है? बारिश आ रही है रघु जी, इसलिए मैंने कम से कम बोला था ऊपर जो ये लगाए ना, कम से कम आधी तक लगा देनी चाहिए था। इसको आप लोग कोई देखते नहीं ठीक से, अभी तीन दिन तक बारिश होने वाली है, इसलिए कम से कम आधी तक लगा देते। कम से कम जो बैठे हैं, कम से कम ये लोग चैन से बैठ, अभी बोल दो टेंट वाला को जाओ, जाकर बोलो कम से कम, हाँ भैया टेंट वाले भैया ये दो दिन तक बारिश ही होगी, ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो गए देवता लोग, इसलिए ये बारिश ही कर रहे हैं। भागवत कथा में तो बारिश होना बहुत अच्छी मानी जाती है, कथा में बारिश ही हो। अभी सारा दुनिया को बारिश की जरूरत है, क्लाइमेट सही हो जाएगी, जो खेती करते हैं
हाँ गेहूं अभी शीश निकल रहा है, उनके लिए भी बढ़िया, सबके लिए बढ़िया है, इसलिए इतनी अच्छी बात है। लेकिन अब लोग थोड़ा इसको जाओ थोड़ा बोल दो, आधे तक कम से कम आधे तक ये लगा दे, प्लास्टिक ऊपर से लगा दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा की महिमा को, हम श्रवण कर रहे थे, हम लोगों ने गत कल श्रवण किया था ये भागवत कथा की इतने महिमा, इतने महिमा। ये धुंधुकार जैसे पापी जिसका नाम पर गया मैं एक बार पिंड दे दी, लेकिन आकर के देखता है पर भूत बनकर फिर बैठा हुआ। बोले भैया गया मैं तेरे नाम पर, मैंने पिंड दी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। वो कहता है मेरे नाम पर एक बार क्यों, अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, 100 बार भी पिंड दोगे। लेकिन भगवान स्वयं बताए गया में कोई एक बार जाए अपना पितृपुरुष को उद्देश्य में एक बार पिंड दे उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो, क्यों, मैंने इतने पाप किया है, पिताजी को पिटाई थी, माँ को मैंने पिटाई थी, मैया कुआ में आत्महत्या करके मरी, पर मैंने 6-6 बेसियां को घर में रखा, सारी गंदा काम मैंने किया, ऐसे कोई काम नहीं, इसलिए मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड देने में मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली, केवल ये भागवत कथा है, ये चीज को समझो। इसका तात्पर्य यह है एक बार आकर केवल कथा में बैठो, कुछ भी करने का तुम्हें जरूरत नहीं, एक मन से ये भागवत कथा को सुन लो। ये भागवत कथा हमें जन्म मृत्यु की चक्कर से चिरकाल के लिए हमें मुक्ति दिला सकती है। इसलिए भैया बोले भैया कथा को कौन छोड़ सकते हैं, कहते पापी से भी पापी कथा सुन सकता है। अगर कोई बोले अरे हम सब जानते हैं इस पढ़ी पढ़ाई कथा को कितना बार सुन चुके हैं, कथा कितने सुनेंगे हैं, इसलिए मैं सब जानता हूं, हमें इस कथा बता सुनने का जरूरत नहीं। लेकिन श्री गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना ता अधारी, राम कथा जय सोना ते अधारी, कृष्ण कथा जय सोना ता अधारी, कृष्ण कथा जय सोना ते अधारी, रस विषय जो लोग बोलते हैं भैया कथा सुनते सुनते तो हम पे बोर हो गया, कितने सुने सुनाई कथा को सुन, कहते भैया ये समझो वो रस क्या चीज उसको बता है नहीं, रस को बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए श्री भागवत में श्री पृथु महाराज को भगवान जब बोले भैया बर्मा को, बोले प्रभु जी मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्या करूं, 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर सर पर सारा शरीर में तुम्हारी अगर काली कान हो जाए थोड़ी अच्छी लगेगी। बोले नहीं प्रभु जी कान तो 2 ही हो, लेकिन दोनों कान में कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो, 10,000 कान में कथा सुनने का जितने शक्ति हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ यहाँ पर है कि नहीं टेट वाले कान में, भैया आप लोग फर्स्ट अगर देखो लोग तो अभी सब कथा अगर सब भाग जाएंगे तो कथा कैसे सुनाओगे। ये कथा को जो देखने वाले लोग हैं जाओ जाकर के उसको बोलो कम से कम इसको ऊपर में हैं प्लास्टिक पे लगा दे। यहाँ पर कथा को व्यवस्था देखने वाले कौन है, हरे कृष्ण भैया क्या क्या हाथ क्या जोड़ रहे हो ऊपर से, क्या तुमको पता नहीं था 2-3 दिन तक बारिश होगी, एक बात को कितना बार बोलना पड़ेगा है? बोलने से पहले सारे काम होनी चाहिए।
कम से कम इसको ऊपर में तो प्लास्टिक लगा दो कम से कम। यही तो बात में कम से कम आधी तक आप लोग इस तरफ में आ जाए, इस तरफ में ये लगा हुआ है। जदुरानी दीदी भी कौन सा कौन काम करने वाले कौन है? ऐसे रात भर तो बारिश हुई, सब भीग गया, दो बार किए सब सब सब। आप लोग ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब आ जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ट्रेंड वाला गुलाब ट्रेंड वाला काम गया। तीन दिन तक बारिश, कल तक भी बारिश होगी। ट्रेंड वाले का ट्रेंड वाला गुलाब